होंगे। तो व्यूअर्स, आज थोड़ी सी जो भी हमारी वीडियो है वो डिफरेंट है, और आपको यहाँ पर देख ही भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज ज़रा हम और साइड का व्यू लेने के लिए आए हैं। तो क्या हम लोगों को पता है लॉकडाउन शुरू हो चुका है और यहाँ पर थोड़ा सा हम सोचते हैं कि थोड़ी सी आउटिंग करें और बाहर निकलें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि सारी शॉप्स वगैरह कौन सी हैं वो बंद है क्योंकि लॉकडाउन है, और यहाँ पर थोड़ी सी मतलब गैदरिंग हुई हुई है कहीं मतलब खाने पीने पर, क्योंकि टेक अवेज वगैरह है। हम लोग भी ज़रा आउटसाइड पर आए थे तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा चलो शराब में खाए जाए। तो यहाँ पर एक स्टॉल है और आपको भाई से मिलवाते हैं और पूछते हैं उनसे ये जो से उनके मज़ेदार से शवारमे हैं उसकी क्या स्पेशलिटी है, किस तरह वो तैयार करते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग इनके जो से हैं शवारमे लेने के लिए खाने के लिए आते हैं। तो अब हम पूछते हैं कि वो क्या है ऐसी खास चीज़ है, ऐसी ट्रिक है जिसके अच्छा भाई आपने बताना है कि मतलब आप जो शवारमा बना रहे हैं आपके शवारमे की क्या मतलब खासियत है और लोग क्यों मतलब लेने के लिए आते हैं और किस तरह बनाते हैं आप? थोड़ा सा ऊँचा बोलना पड़ेगा आपको। आप हमारे सामने बना रहे हैं? अच्छा, तो ये थोड़ा साथ साथ बता दें कि आपने मतलब ये जो बनाया है ये जिंगर शवारमा है। ठीक है, तो और यहाँ पे आपने जो चिकन बनाया हुआ है ये चिकन मतलब किस तरह रात को तैयार करके रखते हैं आप? ये हमने तैयार किया, ये भी तैयार किया आपने। इसके अंदर कुछ मतलब कोई खास किस्म की कोई चीज़ डालते हैं, कोई मसाला वगैरह क्या किस तरह डालते हैं, किस तरह बनाते हैं इसे? कुछ मसाला पहले लगाना पड़ता है, पहले लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपने जो हमारे सामने बनाए हैं ये हैं जिंगर बर्गर और जिंगर शवारमा, सॉरी। तो उसके बाद फिर आप जो से तैयार करेंगे वो है चिकन शवारमा। अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? 7 साल। 7 साल हो गए हैं। तो कैसा तजुर्बा है आपका, मतलब काम ठीक है या आपका के कोरोना की वजह से मुतासर हुआ है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। तो आपने पहले कहीं से ये काम सीखा था या कैसे मतलब शुरू किया था? सीखा था आपने? किससे सीखा था, मतलब कोई भाई से? तो अब ये मतलब आपका अपना माशाल्लाह कारोबार है? ठीक है, तो मतलब आपकी टाइमिंग वगैरह का कुछ हुआ है लॉकडाउन की वजह से, कुछ फ़र्क पड़ा है कारोबार पे कि नहीं? शुक्र अल्लाह का, ठीक है सब चलें। ठीक है, और मतलब ये ख़ास किस्म की कुछ चटनियाँ वगैरह मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो आप मतलब बताएंगे ये मतलब ये जो चटनी है आपने बनाई हुई ये किस चीज़ की है? मतलब ये मिर्चों वाली, इसको स्पाइसी करने के लिए यूज़ करते हैं आप? अच्छा, तो मतलब सिर्फ क्या इसके अंदर लाल मिर्च होती है और यहाँ पर धड़ा मिर्च है, इसको मतलब कैसे मतलब भिगो कर रखते हैं, किस तरह मतलब आप तैयार करते हैं जो स्पाइसी सी हम जो यूज़ करते हैं मिर्च? हाँ जी, सिरका। ठीक है, सिरका और ये लाल मिर्च होती है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ये आपने लिया हुआ है मायनीज लिया हुआ है और यहाँ पर आपने ये सलाद रखी हुई है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज ये हमारे भाई ने आपको बताया कि यहाँ पर इनका ये स्टॉल है और बहुत ही मज़ेदार इनके शवारमे होते हैं, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ तो विज़िट करें और यहाँ से लें। तो वो साफ़ सुथरे तरीके से ये बनाते हैं, देखिए हर चीज़ बहुत साफ़ है, कहीं कोई गंदगी वगैरह नहीं पड़ी हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। तो अभी यहाँ पे पहले इन्होंने जिंगर शवारमे तैयार किए हैं, अभी यहाँ पर जो सी है वो चिकन, कौन से करने आप? चिकन शवारमा आप तैयार करें जी, स्पाइसी स्पाइसी फुल स्पाइसी तैयार करें आप। अच्छा, तो टाइमिंग मतलब क्या होती है, मतलब दिन में भी आप मतलब दिन में भी आपका स्टॉल खुला ही होता है? 4 बजे शाम 4 बजे। तो इसके अलावा मतलब ये जो आप तैयार करते हैं चिकन वगैरह, इसको मतलब कैसे तैयार करते हैं? मतलब ये था ना पहले के वो लगा होता था चिकन, तो उसको हम लोग मतलब वो छोटी छोटी सी बोटियाँ वगैरह काट के, लेकिन अब आपने यहाँ पे इसको रखा हुआ है बना कर कितना सारा, ये इसको मतलब कैसे मतलब रात को तैयार किया है, यहाँ पर आके सुबह सुबह आपने अपने स्टॉल पर तैयार किया है इसको? ये अभी किया छुरी के साथ। अच्छा, इसके अंदर मतलब क्या स्पेशल चीज़ है जो आप ऐड करते हैं चिकन के अंदर? मतलब नमक है, मिर्च है, जो मतलब इतना आपका टेस्ट मशहूर है, सारे मसाले यूज़ करते हैं आप? ठीक है, और कोई इसके अलावा कोई आप बात करना चाहेंगे? बस चले जी, ठीक है फिर हम लोग इजाज़त ले लेते हैं अपने देखने वालों से। तो बहुत अच्छा लगा आपने हमारे साथ इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो उम्मीद करते हैं हमारे व्यूवर्स को भी अच्छा लगेगा, तो हम ज़रूर उन्हें सजेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर आएँ और आपसे शवारमा लेकर खाएँ।
तो व्यूअर्स अब आप लोगों से ज़्यादा चाहते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारा आज का व्लॉग है पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमें अपनी फीडबैक दें और इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।